So this is Active Engineering Classes. I welcome all of you on our site, on our channel. So यहाँ पे जो आज हम पढ़ेंगे वो है derivative topic 11, 12 को है, polytechnic को भी है. तो शुरू करते हैं derivative का एक point जिसको बोला जाता है division या question rule of derivative. Division का दूसरा नाम होता है question rule of derivative. तो जाहिर सी बात है डी बाय डी एक्स ऑफ यू बाय वी, वी इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस यू इंटू वी का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर. सो यहां पर वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर, वी से शुरू वी पे खत्म. सो वी इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस यू इंटू वी का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर, वेयर डी बाय डी एक्स यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है. Where u and v are any two different functions in x. पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं. Find dy by dx if y is equal to tan x upon 1 plus x square. जरा अच्छा क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा quality. Yes. dy by dx का मतलब होता है y का डेरिवेटिव x के साथ, y का डेरिवेटिव x के साथ. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. ये आपका u हुआ, ये आपका v हुआ, वेयर u इज tan x एंड वी इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यस फ्रेंड्स, चेक करो अच्छे से. अब फॉर्मूला यूज करना है यूजिंग डी बाय डी एक्स ऑफ यू बाय वी इज इक्वल टू वी इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस यू इंटू वी का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर. तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे यू और वी का, तो यहां पे थोड़ा सा और जगह हो जाएगा. dy by dx v क्या है यहां पे 1 प्लस x स्क्वायर, ब्रैकेट बना बना के सॉल्व करेंगे इनटू u का डेरिवेटिव. u है tan x, tan x माइनस tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ v 1 प्लस x स्क्वायर होल अपॉन वी स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर. यस. सो साथियों आगे देखो फॉर्मूला अप्लाई होगा. टेन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है. सो यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. पहले तो प्लस माइनस में डेरिवेटिव का बंटवारा होता है. वन कांस्टेंट है आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो आता है. तो वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो ये आया टू एक्स. यस. सो यहां पर वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज ये वाला इंटू टेन एक्स का डेरेवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ये पूरा इसका टेन एक्स का डेरेवेटिव जाके आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव जाके आएगा टू एक्स होल अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर. सो डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टू एक्स पहले टेन एक्स बाद में, रीअरेंज किया इसको और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एज इट इज. सो वाई इज द गिवन फंक्शन इन एक्स और dy by dx होता है y का डेरिवेटिव x के साथ. डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज होता है एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ जब चेंज होगा तो उसको बोला जाता है डेरिवेटिव. चेक इट आउट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करता हूं. यस, चेक इट आउट. फाइंड dy by dx या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों का मतलब एक ही होता है कि y का जो भी फंक्शन y है उसका डेरिवेटिव x के साथ ले रहे हैं. तो यहां पे आप देख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन
एक्स माइनस वन, एक मिनट एक्स जरा ढंग का निकालेंगे सर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो रहा है डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ यू बाय वी, वी इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस यू इंटू वी का डेरिवेटिव होल अपॉन वी स्क्वायर, एक सेकंड ना, ये वी स्क्वायर है, ये यू ये वी, वेयर यू इज एक्स प्लस वन एंड वी इज एक्स माइनस वन, सो डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी यानी एक्स माइनस वन पुट करो इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी यानी एक्स माइनस वन होल अपॉन वी स्क्वायर यानी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन टू एक्स का एक्स के साथ वन माइनस वन का जीरो, एक्स प्लस वन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ वन वन का जीरो। वैसे मैं साइड में बता देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन यानी ये होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वन। अच्छे से देखो साथियों, प्लस माइनस में डेरिवेटिव सेपरेट होता है, दैट इज डिफरेंशियल ऑपरेटर। यस, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और कांस्टेंट का जीरो, वन कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स का एक्स के साथ वन, खुद का डेरिवेटिव खुद के साथ वन होता है। यस, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये बताया ना मैंने आपको, इसका डेरिवेटिव एक्स प्लस वन का वन आया और एक्स माइनस वन का भी डेरिवेटिव वन आया, अलग से बताया है। अब आगे कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, एक्स माइनस वन इंटू वन, एक्स माइनस वन ही होगा माइनस एक्स प्लस वन होल अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स माइनस वन माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स माइनस वन होल अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एमएसबीटी में एक बार याद आ चुका है, एक्स माइनस एक्स गेट्स कैंसल, तो यहां पे आप देख सकते हो माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यह आया इसका फाइनल आंसर। डीवाई बाई डी एक्स या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा ही सॉल्व करते हैं, फंक्शन को वाई नाम देते, फिर डेरिवेटिव का अनाउंसमेंट करते, फिर डेरिवेटिव लेते, फिर रूल अप्लाई करते, फिर वैल्यू पुट अप करके इंडिविजुअल डेरिवेटिव देखते हैं क्या होता है, फिर सिंप्लीफाई करते हैं एंड हेंस वी गेट द आंसर। यस, चेक इट आउट।